तो गाइस फाइनली कार्तिक आर्यन का न्यू मूवी का ट्रेलर आ चुका है और ये मूवी अल्लू वेकंटू पूरा मोलू का पूरा कॉपी मूवी है। और इस मूवी का नाम है से ज्यादा। और इसमें हीरोइन रहता है कृति शर्मा। और ये मूवी मार्केट में चलने वाली है बहुत ही अच्छी, क्योंकि अल्लू अर्जुन का मूवी बहुत ही अच्छी चली है, ब्लॉकबस्टर हुई है। उसी के साथ कंपेरिजन करने के लिए लोग दिखने जाएगा और ये मूवी चलेगी अच्छा। और ये मूवी फरवरी मंथ को रिलीज होगा। मुझे तो ट्रेलर बहुत अच्छा लगा और ट्रेलर में अल्लू अर्जुन का मूवी के साथ बहुत सारे एक्शंस मिल रहा है। अल्लू अर्जुन का मूवी ट्रिपुलर मूवी का पहले रिलीज हुआ, उसमें एक डायलॉग भी है जिसमें ट्रिपुलर मूवी को प्रमोट किया था। इस मूवी में भी वैसे वाला एक सीन है जिसमें कार्तिक आर्यन बोलेगा ये तो राजामौली का कार है। अल्लू अर्जुन का मूवी में बोलेगा फिल्म से पहले कार रिलीज हो गया क्या। सेम टू सेम डायलॉग इसमें भी है और सेम टू सेम बहुत सारी एक्शन भी है। अभी उनका पिता को हॉस्पिटल लेके जाएगा और उधर एक और उधर सब सच बता देगा, क्योंकि कार्तिक आर्यन जो है वो है आमिर घर का लड़का। वाल्मीकि जो है वो है कार्तिक आर्यन का डुप्लीकेट पापा, क्योंकि कार्तिक आर्यन वो आमिर घर का लड़का है, उसमें बचपन में क्या किया उसको चेंज कर लिया। और फाइनली आप लोग जो सीन देखना चाहते हैं वो सीन फाइनली आ गया, देख लीजिए RRR। इसमें कार्तिक आर्यन जो डायलॉग मारेगा ये तो राजामौली सर का कार है, ऐसे वाला एक डायलॉग मारेगा। और मुझे तो लगता है ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होके रहेगा, क्योंकि ट्रेलर इतना अच्छा है क्या बताए। और बॉलीवुड में कुछ साल से कोई भी फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता है बॉलीवुड वाला मैदान में उतर गया है। इस मूवी में कार्तिक आर्यन कृति शर्मा को प्यार करता है और बॉलीवुड वाला एक दो साल से कोई अच्छी फिल्म नहीं दे पा रहा है, और जो फिल्म दे रहा है वो फिल्म बैंड कर देता है पब्लिक, ऐसा वाला फिल्म देता है बॉलीवुड वाला। और इधर साउथ वाला जो 2022 में कितनी अच्छी अच्छी फिल्म दिया है, जैसे कि पुष्पा, KGF चैप्टर 2, ट्रिपुलर, ये हर मूवी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। तो गाइस मूवी रिलीज होगा तभी पता चलेगा अल्लू अर्जुन के साथ कंपटीशन कर पाएगा या नहीं पाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा।